जिसको अदाकारा समझते रहे वो कोई और निकली। ट्विटर पर तमाम हकीकत सामने आ गई। कुछ दिन पहले सबा कमर के नाम से ट्विटर पर एक सारिफ काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आई। यही नहीं, उस अकाउंट से सियासी पोस्ट और तहरीक इंसाफ पर तनकीद ने यह काफ़ी हाईलाइट किया। दिसंबर 2021 को यह अकाउंट बना जो लंदन से हैंडल किया जा रहा है। सारिफीन ने इसे अदाकारा सबा कमर समझकर खूब फॉलो किया। यही नहीं, देखते देखते फॉलोअर्स भी हज़ारों की तादाद में चले गए। सबा कमर नामी इस अकाउंट से तहरीके इंसाफ के खिलाफ भरपूर ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहा। चुन चुन कर कप्तान के खिलाफ होने वाली ट्वीट्स को रीट्वीट किया गया, जिस पर इसे कप्तान के खिलाड़ियों की तरफ से खूब तनकीद सहना पड़ी। असल कहानी उस वक्त सामने आई जब एक सारिफ ने ट्विटर पर सबा कमर को टैग करके लिखा कि ये वेरीफाइड अकाउंट अदाकारा सबा कमर साहिबा का है। इनके खिलाफ जब मजहबी बुनियादों पर जहर उगला गया तो मैं अपनी इखलाकी पोजीशन लेकर इनके साथ खड़ा हुआ। ये उनकी ट्वीट है। जब इसी अंदाज में कोई इन्हें जवाब देगा तो फिर मौसूफा औरत कार्ड के पीछे छुपने की कोशिश करेंगी। हमें अपनी कदर बेहतर करनी चाहिए। जिस पर सबा कमर नामी सारिफ ने भी सस्पेंस तोड़ दिया। जवाब में लिखा कि सर मुझे हर रोज़ गालियां पड़ती हैं, कभी ये वाला कार्ड नहीं खेला। मेरा नाम सबा कमर है, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, बरतानिया में रहती हूँ, कभी मैंने नहीं कहा कि मैं एक्ट्रेस हूँ।